जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, जैसा कि विदेशी मीडियाओं के द्वारा कई बार स्वीडन और पाकिस्तान के सीक्रेट हथियारों की डील का खुलासा हो चुका है, लेकिन दोस्तों इस बात का भी दावा काफी ज्यादा जोरों शोरों से किया जा रहा है कि भारत की बढ़ती ताकत और भारत की बढ़ती नीतियों ने स्वीडन को इस बात का सबक सिखा दिया कि पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध स्थापित करने से स्वीडन को फायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ सकता है। और ये नुकसान इतना भयंकर हो सकता है कि इसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई जा सकती है। और यही कारण है दोस्तों कि स्वीडन पाकिस्तान से दूरी बनाते हुए भारत को लुभाने के सारे प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में भारत के साथ रक्षा संबंध मजबूत स्थापित करने के लिए और इसी कड़ी में स्वीडन ने अपने देश की सभी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों को छूट दे रखी है कि आप भारत के साथ किसी भी तरीके की डील कर सकते हैं। और यहां तक कि मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यानी MRFA टेंडर के तहत स्वीडन ने अपने ग्रिफिन फाइटर जेट को पेश किया है और इसमें सभी भारतीय मिसाइलों को तैनात करते हुए भारत को ऑफर किया है। स्वीडन का कहना है कि MRFA टेंडर के तहत यदि भारत उसके ग्रिफिन फाइटर जेट को खरीद है तो भारत हमारे एयरक्राफ्ट के साथ कुछ भी कर सकता है और भारत को उच्च क्षमताओं वाली मिसाइलों को हमारे फाइटर जेट में लगाने की पूरी छूट होगी। साथ ही स्वीडन का कहना है कि भारत के लिए स्वीडन अपने ग्रिफिन फाइटर जेट को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई करेगा और डिजाइन करेगा जिससे कि इसमें ब्रह्मोस, NG और अस्त्र जैसी मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि भारत अपनी स्वदेशी जितनी भी विध्वंसक मिसाइलें बना रहा है वो सारी ग्रिफिन फायर करने में सक्षम हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि स्वीडन की तरफ से कहा गया है कि भारत ग्रिफिन के अंदर जो भी बदलाव करना चाहेगा, जिस भी तरीके के बदलाव करना चाहेगा, भारत को पूरी छूट होगी। साथ ही स्वीडन इस फाइटर जेट की सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए भी भारत के साथ तैयार है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि स्वीडन पूरी छूट देकर भारत को कैसे भी लुभाना चाहता है और ये फाइटर जेट भारत को देना चाहता है। लेकिन इस बात की संभावना काफी कम है कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदेगा, जिसके पीछे एक कारण ये भी है कि स्वीडन रणनीतिक रूप से काफी कमजोर देश है और भारत इससे भी ज्यादा पावरफुल अपना तेजस MARU फाइटर जेट भी बनाकर लगभग तैयार कर चुका है। लेकिन फिर भी स्वीडन की तरफ से अपने हथियारों के दरवाजे भारत के लिए पूरी तरीके से खोल देना, ये इस बात को दर्शाता है कि भारत का कद अब काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप सभी मित्रगणों की जो भी राय कमेंट्स कर जरूर बताइए और जय हिंद लिखना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।